जालौर में कोरोना का आज तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 31 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और सबसे ज्यादा रिपोर्ट आहोर क्षेत्र में बताई जा रही है, जो कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कोरोना महामारी के लगातार पॉजिटिव मामले जालौर में सामने आ रहे हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा आज 31 मामले आए, यानी 21 तारीख गुरुवार को सबसे ज़्यादा 31 पॉजिटिव आए। इससे जो पॉजिटिव की संख्या है वो 130 तक जा पहुंची है। और जालौर शहर में हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से गुरुवार को रिपोर्ट आई, उसमें सबसे ज़्यादा आहोर उपखंड क्षेत्र में 17 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। वहाँ आहोर के कस्बे में 2 पॉजिटिव मिले हैं। इस दौरान प्रशासन ने आहोर बाजार SDFC प्रशांत शर्मा ने पूरी तरह बंद करवा दिया और कोरोना ग्रस्त गाँव में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वही कस्बे में प्रशासन ने लाउड स्पीकर से सभी को सूचित किया कि जरूरी काम से ही लोग बाहर निकले। जो टोटल संख्या है जालौर में वो 130 तक जा पहुंची है। गुरुवार को प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण के 28 केस जो सामने आए हैं वो नए हैं। जिले में कोरोना संक्रमित की व्यक्तियों की संख्या 130 हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 31 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 28 नए एवं 3 पूर्व पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट सैंपल की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है। आज आए 28 कोरोना संक्रमित समेत कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 130 हुई है। आज आए हुए पॉजिटिव संख्या में से एक गोड़ीजी जालौर, एक आहोर आईपुरा, 2 भद्राजुन में आए, 2 भैंसवाड़ा, 1 गंगावा, 1 गोलाना, 2 जोगावा से, 1 कलापुरा से और 3 कोटड़ा और 5 माधुपुरा और 1 पांचोड़ा, 1 रामा, 1 सातो, 1 सेवाड़ा, 1 थलवाड़ और 3 वालरा निवासी पॉजिटिव पाए गए हैं। एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की स्क्रीन कर एवं क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं उनके सैंपल संग्रहण करके कोरोना जांच हेतु भिजवाए भी जा रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए विभाग ने चिकित्सा कर्मियों को बुलाकर टीमें बनाकर कंटेनमेंट जोन में दोबारा गहन से स्क्रीन भी किए जा रही है। ये स्क्रीन कंटेनमेंट जोन में नियमित 14 दिन तक चलेगी। अब तक 4,919 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 3,034 नेगेटिव और 130 पॉजिटिव आए हैं और 1,745 अभी भी इंतजार में हैं। CM डॉक्टर देवल ने बताया कि जो व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित में आए, जो संपर्क में आए थे, उनमें से 4,919 सैंपल लिए गए थे। जब तक जो 30,100 कोरोना संक्रमण आए हैं, उसमें कई लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक पॉजिटिव आए लोगों के रिपीट सैंपल की जाँच में 10 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को हुआ 9,100 घरों का सर्वे। डॉक्टर देवल ने बताया कि चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर दस्तक देकर स्क्रीन लोगों की कर रही है और संक्रमण के प्रति जागरूक भी कर रही है। इस तरह से टोटल जालौर में आज जो संक्रमण आए थे वो 31 संक्रमण नए आए हैं और दिन न दिन जालौर की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लोग काफ़ी प्रवासी बाहर से अभी भी आने की लगातार संख्या बढ़ रही है और जो संक्रमण का खतरा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इससे प्रशासन लगातार लोगों के घर घर जाकर स्क्रीन भी कर रहा है। आपके पास अगर कोई खबर है तो हमें आप भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे जो कम आ जाए थे वो रानीवाला क्षेत्र में सबसे कम पॉजिटिव सामने आए थे। यहाँ थे जो आहोर क्षेत्र में है वहाँ से आज सबसे ज़्यादा 17 पॉजिटिव जो सामने आए हैं वो आहोर के आजू बाजू गाँवों से है। तो हम सबको सतर्क रहना